पूरनपुर के ग्राम धक्काचाट पहाड़पुर गांव निवासी ग्रामीण ने बताया कि बीती रात उसकी नाबालिग पुत्री घर में परिजनों के साथ सो रही थी। तभी गांव का आरोपी मुकेश धीमर अपने दो अन्य साथियों के साथ घर में घुस आया तथा चारपाई पर सो रही ग्रामीण की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर गांव के पश्चिम दिशा में खेत पर ले जाकर तीन लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। सुबह घर पर नाबालिग न होने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन की तो वह खेत में बेहोशी की हालत में मिली। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पूर्व भी आरोपी ने उसकी पत्नी के साथ भी ऐसा ही कुछ किया था। ग्रामीण की पत्नी जंगल के पास अपनी बकरी चराने गई थी, पर उसने आरोपी के सामने हाथ जोड़े और उसने उसे छोड़ दिया और कहा कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। महिला ने घटना की जानकारी अपने पति को दी। पति थाना पूरनपुर आ रहा था, तभी गांव के कुछ लोगों ने समझा कर दोनों का मामला शांत करा दिया था, पर आरोपी ने अब ग्रामीण की पुत्री को ही अपनी हवस का शिकार बना लिया। पूरनपुर कोतवाल जयवीर सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया। बेटी के साथ में हम लोग सब लोग घर भर सो रहे थे। फिर बाहर निकले पेशाब करने के लिए, तो वहाँ पे रात लगाए बैठे मुकेश उठा के इनको ले गया और गन्ने में ले जाने के बाद में उसके साथ बलात्कार किए। फिर उसको मार पीट के और जब ये चिल्लाई है तो फिर वो जंगल भाग गया और फिर बच्ची हमारी इसकी माँ को बोलती हुई फिर वो आई, तो घर के लोग दौड़ के गए तो फिर उसको पकड़ के। धक्काचाट में वादी अक्षय लाल ने बताया कि उसकी पुत्री पूनम के साथ गांव के रहने वाले अपराधी किस्म का एक व्यक्ति है मुकेश धीमा, उसके द्वारा बलात्कार करा गया है, जिसकी सूचना पर प्राथमिक सूचना पर तत्काल थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और पर शुरुआती तफ्तीश और लड़की का मेडिकल परीक्षण और प्राप्त जितनी भी चीज़ें जो रेप के लिए जरूरी है साक्ष्यों की चीज़ों को तत्काल प्राप्त करके उसको साक्ष्य हेतु भेजा गया है। शीघ्र ही अभियोग जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है, इसकी शीघ्र गिरफ्तारी।